तो आज हम कुछ रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और इसमें हम इजी, मीडियम और हार्ड लेवल पे जाएंगे। इजी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो रिएक्ट जेएस क्या है? सिंपली रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो इंटरफेस पे फोकस्ड है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस पे। एंड हाउ डज इट डिफरेंस, तो मेनली इसमें हम रीयूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं और स्टेट्स एंड प्रॉप्स की हेल्प से उन कंपोनेंट को मेंटेन करते हैं। ये जो लाइब्रेरी है रिएक्ट, ये मेनली फोकस होती है व्यू लेयर पे, और जो अदर लाइब्रेरीज है वो दोनों पे फोकस्ड होती है, लाइक एंड द अनदर वन बैक एंड लेयर। ओके, एंड इसमें हम लार्ज एप्लीकेशंस को भी बना सकते हैं, हम जितना भी चाहे उतना स्केल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, हम रिएक्ट जेएस को यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट, इसमें रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्योंकि हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हम उसे कहीं और हमारी सेम रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकें, इसे रीयूजेबल कंपोनेंट कहते हैं। वर्चुअल डॉम फॉर इफिशियंट अपडेट्स एंड रेंडरिंग, सो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रियल डॉम एंड वर्चुअल डॉम का, जिससे हम रेंडरिंग बहुत इफिशियंट वे में कर पाते हैं और यूज़र इंटरेक्शन भी बहुत बेटर रहता है। देन इसकी परफॉर्मेंस इसी के कारण बहुत बेटर रहती है, तो गुड परफॉर्मेंस भी इसका एक एडवांटेजेस में आता है। देन स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट कम्युनिटी, तो ये बहुत टाइम से है और लाइक अभी तो लीड कर रहा है टेक्नोलॉजी में, सो इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी और इसमें हेल्प बहुत अच्छी मिल जाती है। ईजी टू इंटीग्रेट है, ठीक है, किसी भी और लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क के साथ हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं, कोई इशू नहीं आता। एंड इट कैन बी यूज्ड ऑन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड जो हम नॉर्मल रिएक्ट में वन पेज एप्लीकेशन जो बनाते हैं वो क्लाइंट साइड पे रन करती है, टोटल हमारे पास बंडल्स आते हैं और वो रन होते हैं, और हम इसे सर्वर साइड पे भी रन कर सकते हैं। सर्वर साइड का मतलब कि जो भी बंडल हम डाउनलोड करते हैं फिर हमारे ऐप को रेंडर करते हैं, उसकी वजह जो हम पर्टिकुलर पेज की रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारे सर्वर पे ही लोड होता है। और सर्वर साइड का रिएक्ट जेएस में एग्जांपल देखो तो एक नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़। देन हाउ डज द वर्चुअल डॉम इन रिएक्ट जेएस वर्क, तो वर्चुअल डॉम किस तरीके से वर्क करता है? मेनली रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, ठीक है, जिससे हम अपडेट्स या जो भी हमारे ऐप में चेंजेस होते हैं उसे हम ऑप्टिमाइज कर सकें, ठीक है। वर्चुअल डॉम एक लाइट वेट इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल डॉम का, सिंपल सा एक कॉपी होता है वर्चुअल। अब जब भी हम किसी स्टेट या कंपोनेंट में कोई चेंज देते हैं तो रिएक्ट क्या करता है, अपने वर्चुअल डॉम और रियल डॉम का कंपेरिजन करता है और ओनली वही चेंजेस अप्लाई करता है जो हमने अपडेट किया होता है, ना कि पूरा पेज। यही हमारा मेन वे है और इसीलिए वो इफ़िशेंट वे में काम कर पाता है। तो लाइक आपने किसी एक वेरिएबल को अपडेट किया तो पर्टिकुलर वो वेरिएबल और उसके चाइल्ड्स, वो वेरिएबल अपडेट होगा, या कंपोनेंट अपडेट किया तो कंपोनेंट और उसके चाइल्ड्स अपडेट होंगे, ना कि इंटायर पेज अपडेट होगा। तो इसी वे में वर्चुअल डॉम काम करता है। लाइक हाउ डस रिएक्ट जेएस हैंडल अपडेट्स एंड रेंडरिंग, तो सिंपली ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब भी एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है तो जब भी हम कोई चेंज अप्लाई करते हैं ये रियल डॉम और वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन करता है और वही स्पेसिफिक चेंजेस उस कंपोनेंट के ये अप्लाई करता है जिसमें हुए हैं, उसके अलावा किसी और को कोई चेंज नहीं करता। इसी से हमारा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो भी बेटर होता है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है। वाह, आर द कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस हाउ दे आर यूज्ड, तो कंपोनेंट सिंपली एक चीज़ है, कंपोनेंट आर सिंपली स्मॉल फंक्शंस विच एक्सेप्ट सम इनपुट एंड लाइक एंड इन रिटर्न दे प्रोवाइड सम आउटपुट। सो लाइक एक कंपोनेंट है सिंपल सा, एक रियूजेबल फंक्शन होता है जिसमें हम इनपुट देते हैं और वो खुद अपनी स्टेट्स मैनेज कर सकता है, ठीक है। जो हम इनपुट देते हैं वो प्रॉप्स कहलाते हैं और जो हमें उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होती है वो अपनी स्टेट्स के थ्रू करता है, ठीक है, और जो भी रिटर्न करता है वो हमें एज आउटपुट में